हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 27 फरवरी दिन सोमवार है, वहीं हिंदी महीना फाल्गुन और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पुलिस अब स्मार्ट बनने जा रही है, इसके लिए बीट प्रभारियों को दिए जाएंगे टेबलेट। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए बीट प्रभारियों को टेबलेट दिए जाएंगे। इसमें स्मार्ट कॉप ऐप इंस्टॉल होगा। वहीं पुलिसकर्मी इस एप्लीकेशन के माध्यम से मौके पर ही प्रकरण की विवेचना कर सकेंगे। वहीं किसी अपराधी के बारे में जानकारी भी इसी ऐप में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ऐप से किसी भी वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ऐसे में चेकिंग के दौरान इस ऐप से पुलिस कर्मियों को काफ़ी सहायता मिलेगी और यह सुविधा इसी वर्ष से शुरू की जा रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के फेर में उलझ रही हैं सरकारी भर्तियां। दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने के प्राविधान तो तय कर दिए थे, लेकिन अब तक न्यायालय इससे सहमत नहीं है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 कर्मचारियों की भर्ती की जानी है, लेकिन 27% आरक्षण के कारण यह भर्तियां संभव नहीं हो पा रही हैं। वहीं हाल ही में इंदौर खंडपीठ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण के हिसाब से ही ओबीसी के आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाए। 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती नहीं होगी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देकर भर्तियाँ करेंगी। जब तक ये न्यायालय सहमत नहीं होगा, तब तक के इस पर अमल नहीं हो सकता और इसी चक्कर में सरकारी भर्तियां उलझ रही हैं। दोस्तों, प्रदेश में मशीनों की फिटनेस के लिए बनेंगे 11 स्वचालित सेंटर। दोस्तों, प्रदेश में अब व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की व्यवस्था बदल जाएगी। फिटनेस कैमरे से फोटो खींचकर दी जा रही है, उसके लिए स्वचालित फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे ताकि फिटनेस युक्त गाड़ियां सड़कों पर चले। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मशीनों से वाहनों की जांच कर वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं प्रदेश में 11 सेंटर खोले जाने हैं, जिसमें ग्वालियर, भोपाल, इंदौर आदि। दोस्तों, होली से पहले किसानों को मिलने वाली खुशखबरी, इसके लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने किसान सम्मान निधि की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, कृषि मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी देश के करीब 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी करेंगे, साथ ही वे किसान से संवाद भी करेंगे। दोस्तों, होली के त्यौहार से पहले कृषि मंत्री ने यह खबर सुना दी है, जिसका देश के करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बेलगांव में यह राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 27 फरवरी को अर्थात आज किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, यानी कि मार्च से पहले ही किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि यह कार्यक्रम कर्नाटक के बेलगावी में 27 फरवरी 2023 को दोपहर 3 बजे होगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि मतांतरण के कुचक्र को चलने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मतांतरण के कुचक्र को अब चलने नहीं दिया जाएगा। साहूकारों ने तय समय से ज़्यादा ब्याज लिया है तो उनकी भी खैर नहीं होगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजाति समुदाय को शोषण से बचाने व गांव के संसाधन पर उनका हक सुनिश्चित करने के लिए पैसा एक्ट लागू किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि रविवार से 17 मार्च तक विशेष राजस्व अभियान चलेगा प्रदेश में। इसके तहत राजस्व अमला गांव-गांव जाकर नामांतरण, बंटवारा आदि का कार्य करेगा। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है कि किसी को भी अर्थात आम जनता को सरकारी दफ्तर में नहीं आना पड़ेगा, उनका काम गांव में ही शहर में ही हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि सीधी में बड़ा भयंकर हादसा हुआ है। सीधी हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने
सीधी बस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया एवं घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। इसी के साथ उन्होंने सीधी बस हादसे को लेकर परिवहन मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की है। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये दिए जाएँ, वहीं गंभीर रूप से घायलों को 25 लाख रुपये तथा साधारण घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसकी न्यायिक जांच भी कराई जाए। इस प्रकार से डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से मांग की है। दोस्तों, ऑनलाइन ऐप से लोग ठग रहे हैं। ऑनलाइन ऐप से लोन लेकर फंस गया एक युवक। दोस्तों, इंदौर में एक युवक ने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया और उसके जाल में फंस कर आत्महत्या कर ली। ऐप की कंपनी उसे लगातार धमकियाँ दे रही थी, इससे डरकर उन्होंने आत्महत्या कर लिए। इसलिए दोस्तों, ऐप से कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप भी इस प्रकार से बुरे फंस सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश शूटिंग वर्ल्ड की मेजबानी करेगा। 20 मार्च से दुनिया भर के शूटर करेंगे फायर मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहली बार शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर के शूटर भाग लेंगे। वहीं 20 मार्च से शुरू होने वाले आयोजन के लिए भोपाल में फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है। वहीं भोपाल में 20 मार्च से 31 मार्च तक शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। इस प्रकार प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अब कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही कि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से काफ़ी लंबे समय तक मुलाकात की। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी सरकार पर बोला है बड़ा हमला। हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि देश किस चौराहे पर आकर खड़ा है, जहां अन्नदाता किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपये है और प्रधानमंत्री के एक दोस्त की प्रतिदिन की आय 1000 करोड़ रुपये है, जो कि बहुत गलत बात है। सबकी समान आय होनी चाहिए। यदि मोदी सरकार ऐसा करती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।